नमस्कार, आप सब आपका फिर से स्वागत है फर्स्ट पोस्ट हिंदी में। अभी अभी हम यहाँ लाइव कर रहे थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 181 से सेंट्रल सूरत में, जो है कि मुस्लिम बस्ती से, और पुलिस ने हमें रोड से हटा दिया गया। इनफैक्ट हमें काफी मैन हैंडल करके वहां से हटाया गया, हमारे फेसबुक लाइव को रोका गया। लेकिन तो हम थोड़ा अंदर आ गए हैं उन्हीं लोगों को लेके, वही बातें दोबारा रेज करने के लिए उनके साथ। सर, आप बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी कांग्रेस या बीजेपी, दोनों के लोग आपका हालचाल पूछने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे प्रचार करने के लिए आते हैं। काले टाइम पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में कोई झाक के देखता नहीं, कोई आया कि नहीं आया। 4 महीने 6 महीने के बाद में कोई आता नहीं और कोई जाता नहीं। साल भर में कोई आंगा नहीं, 5 साल में कोई आंगा नहीं है। काले लोग टाइम पे इस्तेमाल करते और चले जाते। जितने मोदी सरकार, वो मोदी भाग गया, वो भाग गया 5 साल के बाद, अभी तक सूरत में दिखाई नहीं। पहले आते थे लोग आपका हालचाल पूछने, कोई चीज नहीं। आज तक कोई आया लालू देते हुए, ये इसका है ना, इसका बाड़ने का कोई बड़ा इंसान है ही नहीं। कैसा कोई इंसान गवा देगा इसका? बड़ा इंसान कोई है नहीं, इसका बाड़ने का कोई बड़ा इंसान है ही नहीं। क्या कोई मुद्दा है इसका? क्या मेन चीज इसकी बाड़ने को स्तर में है नहीं ऐसा क्या कोई इसका मुद्दा बनेगा? यहाँ से कोई यंग मुस्लिम लीडर निकला है इतने दिनों में? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। साइकिल वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारी को लेके आप बताइए कि यहाँ के जो नौजवान है उनको नौकरी मिलती है? बेरोजगारी नहीं, यहाँ यहाँ जो जिसके उसकी रोजगार करता है। यहाँ मसला है सिर्फ झुपड़पट्टी का। ये लोग भाजप भी आई जीत के, कांग्रेस भी आई जीत के, दोनों दिलासा देते हैं कि तुमको हम झुपड़पट्टी यही बना के देंगे, नया पक्का मकान बना के देंगे। लेकिन ये लोग कुछ देते नहीं है, गरीबों का मकान तोड़ देते और मकान देते नहीं है। मकान तोड़ने की बात, हमारे मकान झोपड़पट्टी तोड़ने की लोग बात करते अभी। कौन कौन एसएमसी वाले आते हैं यहाँ पे? एसएमसी वाले आके बोल के जाते हैं हम लोग दोनों जन के तोड़ने वाला है। अभी 1 बरस बाद, 2 बरस बाद, 3 बरस बाद, अभी दिवाली बाद का टाइम दिया था, अभी 3 बरस का बात करा। अब 3 बरस के अंदर कब आ जाएगा कुछ पता नहीं इसका। अभी वालों ने गांधीनगर में इसका केस डाले है, हम लोग हमारे पैसों से उघरा के केस लड़ रहे, और कॉरपोरेशन वाले बोलते हैं तुम खाली करके यहाँ से चले जाओ। और यहाँ भाजपा की भी सीट आई, उस टाइम भी ये लोगों ने बोले कि तुमको बना के मिलेगा, ये लोगों ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस की भी सीट आई, उन लोगों ने भी बोला कि तुमको बना के मिलेगा, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जितना रोड बना है नया, वहाँ पे पूरे मुसलमान थे, हिंदू भी थे, सब थे, लेकिन तोड़ के उनको 12 किलोमीटर दूर दे दिया। और वहाँ अभी जो यहाँ हाल में झुपड़पट्टी थी, 3 बरस पहले, 3 बरस पहले जो झोपड़पट्टी थी, उसके बाद में कम से कम भी तो 3-4 हजार मकान तोड़ के बाहर घुमा दिए। 50 रुपए लगते, जब उन लोग सिटी में आने की कोशिश करते 50 रुपए नहीं रहेंगे तो उनका घर का चूल्हा बंद होता है। मैं रो रो के बोलूंगा ये बात पे कोई शक नहीं है। 50 रुपए ना लगते हैं जब यहाँ आते हैं उन लोग काम करने के लिए, हाथ मजदूरों के लिए। 50 रुपए घर में भूखे पड़े रहते, आज मजदूरी वालों के पास 12 के पैसे नहीं थे, बेचारे घर में पड़े रहते। लोग के पास 50 रुपए, तो लोग नौकरी के लिए इधर आते काम करने के लिए। कहाँ करते हैं लोग नौकरी इस बस्ती में? मतलब आज मजदूरी काम करते, कोई नौकरी चोकरी नहीं है, सब आज मजदूरी वाले बेचारे हाथ मजदूरी करते, खाली हाथ मजदूरी करते। जहाँ मिलेगा ना कपड़ा मार्केट में रोकड़ी करेंगे, या कहीं मिस्त्री काम करें, कहीं कुछ भी काम करेंगे बेचारे, कहीं भी जाए मिलेंगे हाथ मजदूरी वो करके लोग खाते हैं। इन लोग, इनका कोई नहीं है, इनका कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, कहीं जाता नहीं है, क्या न्यूज नेशन पे जावे कि कहीं शेयर हो, वो कुछ होता नहीं है। यही खाली बात करते हैं और यहाँ बात दब जाती है। बेस्तान वाले ही बहुत परेशान है कि आगे तक शेयर करे तुम इसको। आज बेस्तान के अंदर भी ऐसे पड़े लेके, ऐसे से पढ़े लिखे घर में आज चूल्हा भी नहीं जल रहा हूँ। आज बस्तान में पढ़े लिखे लोगों के घर में नहीं, पढ़े लिखे कोई नहीं है। मुसलमान पढ़े लिखे रहते का 100 में कम से कम 5 टका आते, और 95 उड़ा के फेल हो जाते। 95 फेल हो जाते, तो पढ़े लोग भी वहाँ पे पहले सब पहले वहाँ सब फेल सब पहले वहाँ खाने को पैसा नहीं है, वहाँ परेशान है। आज बेस्तान में जाने वाले परेशान है। आज हम लोग भी आज मजदूरियाँ करते, काम धंधे धागा कटी साड़ी का लाते, कंप्यूटर में सर जब हम लोग को भी मिलता काम धंधे के पगार, जब हम लोग भी खाना पकाना करते। आपको यहाँ टेक्सटाइल मार्केट में काम मिलता है? न, हम लोग पीछे खाता है ना, वहाँ से एम्पॉर्डर की साड़ी लाके हम लोग मजदूरी करके करते। डायरेक्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट कोई नहीं मिलता। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साड़ी मिलता है, कितना मिलता है पर साड़ी का आपको? 2 रुपए 3 रुपए साड़ी मिलता है, 1 रुपया आड़ा नहीं मिलता है। 8 आने मिलता है आपको एक साड़ी का?
50 पैसा या 1 रुपए मिलता, बाकी कुछ नहीं मिलता इसके ऊपर। और हमारी लेडीज काम करती है, 1 रुपए या 8 आने मिलता इसके ऊपर नहीं मिलता। हम लोग को लाना ले जाना इतना वजन इतनी गर्दी के अंदर से लाना ले जाना लोग के खाते के अंदर, तो भी हम लोग पेट के लिए इतनी मजदूरी करते हैं, हमारा कितनी मजदूरी करके हम लोग को खाने का मिलता। 1.5 कम से कम, मेरे अंदाज से कम 10 से 12 रुपए 10 फुट 12 फुट की साड़ी आती, इंसान जो अंग पे लेडीज लपटती है। हाँ 500 रुपए कमाने वाला तो पुलिस उसमें से 100-200 रुपए ले लेती है इनसे। ऐसे क्यों लेती है पुलिस? ये हफ्ता बांधते हैं ये लोग, अभी तक चलता है हफ्ता इस एरिया में चलता ही है। हर जगह रोड पे जाते हैं हम लोग, वहाँ पे हफ्ता देना पड़ता है लोगों को, स्लिप बनवाना पड़ती है। ये गरीबों को परेशान करते हैं, कोई अमीर की 4 व्हील तो कभी रुकाया नहीं है लोगों ने, कोई हाथ मजूरी वाले को ही रुकाते, ऐसा क्यों? 4 व्हील वाले को भी रुकाना चाहिए ना, सबके लिए कायदे कानून है, कि गरीब के लिए ये नहीं, सबके लिए। ये मेरी गुजारिश थी बात करने की, बस। थैंक यू वेरी मच, गुड मैच, सलाम। थैंक यू। यहाँ पे इस मुस्लिम बस्ती में लोग ऐसे कह रहे हैं कि 50 पैसे उनको 1 मीटर के मिलते हैं, तो अभी भी इतनी गरीबी है इस देश में, और खास करके सेंट्रल सूरत में जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ इन लोगों के बीच। कुछ देर पहले पुलिस ने हम पे हमला किया था और हमारे कैमरा और हमारा माइक खींचने की कोशिश करके हमें यहाँ से, हमें रोड से बहुत दूर अंदर भेजा गया ये लाइव करने के लिए। लेकिन थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने फिर भी हम लोगों से बात की। और फर्स्ट और ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम गुजरात के लिए बने रहिए फर्स्ट पोस्ट हिंदी के साथ। थैंक यू।